कुरलस उस्मान सीरीज के देखने और चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आखिरकार सबर आजमा इंतजार के बाद इस नंबर 90 का एक धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया कि जिसको देखते ही शायकीन झूम उठे और ट्रेलर को देखते ही ये तो वादे हो गया कि कुरलस उस्मान की गिरती रेटिंग फौरन ही दोबारा बुलंद हो जाएगी। टाइम जंप के बाद सीरीज की कहानी 1299 से दिखाई जाएगी और हान और अलाउद्दीन ने आते ही अपने एक्शन से सबके दिल जीत लिए। उस्मान के दोनों बेटों ने बादनतीनी सिपाहियों पर तीर बरसाए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने शहजादी को रास्ते में रोका और बादनतीनी सिपाहियों को मार कर शहजादी को अगवा करके कबीले ले आए, क्योंकि ये मनाजिर बिल्कुल वैसे ही मालूम हुए कि जब तुरगत बे ने मारी का रास्ता रोका था और उसके सिपाहियों को मार कर मारी को अपने साथ कबीले ले आए थे। लेकिन हमारे ख्याल में इन्हीं मनाजिर को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, बल्कि मुमकिन है कि ये बादनतीनी सिपाही शहजादी के मुहाफिज न हो बल्कि किसी दुश्मन के भेजे गए गुंडे हों कि जिन्हें ओरहान और अलाउद्दीन ने मार कर शहजादी की जान बचाते हुए अपने कबीले में उसे ले आए। ये शहजादी आखिर है कौन? जैसा कि हम आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके थे कि बेल्जिक किले का नया टेकफोर्ट देखने को मिलेगा, हमारे ख्याल में ये शहजादी इसी टेकफोर्ट की बेटी होगी। ड्रामे में जहां टाइम जंप किया गया वहीं अदाकारों की लुक भी तब्दील नजर आई। सेलजान खातून मजीद बूढ़ी नजर आई। गंदोलबे के बालों में सफेदी और भी वादे हो गई। मालहन और बाला के लिबास में भी वादे तब्दीली देखने को मिली। रहा सवाल ये कि पुराने अदाकार कोसिस, निकोला, बार्कन वगैरह में से किसी को आखिर ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया, तो नाज़रीन इसका जवाब ये है कि ये ट्रेलर टाइम जंप की वजह से उस्मान बे और उनके बेटों पर मबनी था कि जिसमें उस्मान बे की अपनी बेटों की तरबियत और उनकी अहमियत शायकीन पर आया करना थी, इसलिए कोसिस, बार्किन, निकोला वगैरह को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। ऑफिशियल न्यूज के मुताबिक सीजन का अख्तिताम जून में होगा कि जिससे ये तो कंफर्म हो गया कि इस सीजन की मजीद 9 से 10 अक्सात हमें देखने को मिलेंगी। मगर उसके साथ ही ये भी कंफर्म इत्तला आपको देते चलें कि इसी सीजन में एनागोल किला की फतह भी हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि ट्रेलर के आगाज में हमने देखा कि उस्मान बे एनागोल किला के हवाले से अपने बेटों को आगाह कर रहे हैं। रहा ये सवाल कि नए टेकफोर की काई कबीले में पुरसकून आमद का क्या मतलब है, तो इसका जवाब यह है कि फिल वक्त उस्मान बे और इस टेकफोर के दरमियान कोई बड़ी दुश्मनी नहीं होगी कि जिसकी वजह से काई कबीले में उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा।